जून और जुलाई के महीने में असम में बाढ़ का आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं, ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, हजारों एकड़ फसलें डूब जाती हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। ये हर साल होता है, कभी कम तो कभी ज्यादा। अब असम में फिर से इस साल बाढ़ आई है। करीब 10 लाख लोग अब तक इस बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, 20 लोगों की मौत हो चुकी है और बाढ़ अब और विकराल होती जा रही है। सवाल यह है कि आखिर क्या है ऐसा असम में कि वहां हर साल इतनी तबाही होती है और इसके बावजूद कोई भी सरकार इस तबाही को रोकने में नाकाम हो जाती है। आखिर क्यों और राज्यों की तुलना में असम को ही सबसे ज्यादा भुगतान पड़ता है और आखिर कैसे असम के लोग खुद को हर साल मानसिक तौर पर इस बाढ़ के लिए तैयार करते हैं, इन्हीं सब बातों पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। अपनी स्क्रीन पर भारत का नक्शा देखिए। उत्तर पूर्व में आपको नक्शे पर असम राज्य दिख रहा होगा, ये राजनीतिक नक्शा है। अब इस राज्य की सीमाओं को देखिए। असम का उत्तर पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश से लगा है और उत्तरी पश्चिमी हिस्सा भूटान से। दोनों ही पहाड़ी इलाके हैं। असम के पश्चिमी हिस्सा लगा है पश्चिम बंगाल से और बांग्लादेश से। दक्षिणी हिस्सा लगता है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। पूर्वी हिस्सा लगा है नागालैंड और मणिपुर से। ये तो हो गई राजनीतिक नक्शे की बात, ताकि ये समझ में आ सके कि असम दरअसल है कहाँ। अब बात करते हैं असम के प्राकृतिक नक्शे की। एक बार गौर से देखिए, एक मोटी सी नीली लकीर आपको इस नक्शे पर दिखाई देगी। ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई करीब 3000 किलोमीटर है। असम में हर साल जो बाढ़ आती है उसकी सबसे बड़ी वजह यही नदी है और इसकी भौगोलिक विस्तार है। अब ये नदी कैसे असम में बाढ़ के लिए जिम्मेदार है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। ये तिब्बत से आती है और अरुणाचल प्रदेश से भारत में घुसती है। तिब्बत से निकलने और अरुणाचल प्रदेश तक आने वाला रास्ता पूरा पहाड़ी है, तो ब्रह्मपुत्रा की धारा तेज नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश से नीचे आती है और असम में घुसती है, वो पहाड़ी से सीधे मैदान में आ जाती है और इसकी वजह से ब्रह्मपुत्रा के पानी में रफ्तार आ जाती है और इसका फैलाव भी हो जाता है। मैदान में आने के बाद कहीं कहीं तो ब्रह्मपुत्रा की चौड़ाई करीब 10 किलोमीटर तक हो जाती है। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका विस्तार कितना होता होगा। बारिश के दिनों में पहाड़ों पर बारिश ज्यादा होती है, तो ब्रह्मपुत्रा में भी बारिश का पानी आता है, जिसकी वजह से जून जुलाई के महीने में इसका रूप और भयंकर हो जाता है। लेकिन असम में बाढ़ की ये इकलौती वजह नहीं है, इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ। छोटी बड़ी करीब 35 ऐसी नदियाँ हैं जो असम में अलग अलग जगहों पर ब्रह्मपुत्रा में मिलती हैं और ये ब्रह्मपुत्रा को और ज़्यादा भयानक बना देती हैं। इसे थोड़ा और विस्तार से बताने की कोशिश करती हूँ। हिमालय से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं सांगपो। अरुणाचल प्रदेश के जरिए ये नदी भारत में घुसती है, जहाँ इसको कहते हैं सियांग। एक और नदी है लोहित, जो तिब्बत से निकलती है। ये नदी भी अरुणाचल प्रदेश के जरिए भारत में ही आती है। अरुणाचल प्रदेश में करीब 200 किलोमीटर बहने के बाद ये नदी सियांग में मिल जाती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं दिबांग। ये नदी भी सियांग में मिल जाती है, यानी कि सियांग, लोहित और दिबांग मिल जाती है। और यही तीनों नदियां जब असम में घुसती हैं, तो तीनों को मिलाकर कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा। इसके बाद इसमें तिब्बत से निकली सुबानसरी नदी, अरुणाचल प्रदेश से निकली कामेंग नदी, अरुणाचल प्रदेश की ही डिकरांग, डीहिंग और मानस नदी, नागालैंड से निकली धनसरी नदी और मणिपुर से निकली बारक नदी भी ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। इसके अलावा और भी कई छोटी बड़ी नदियां अलग अलग जगहों पर ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती हैं। इनमें से अधिकांश नदियां बरसाती नदियां हैं। जून जुलाई के महीने में जब पहाड़ों पर बारिश होती है, तो इनमें खूब पानी आता है और फिर इन सबके मिलने के बाद ब्रह्मपुत्रा अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। असम में हर साल आने वाली तबाही की यही असली वजह है। असम सरकार की आधिकारिक वेबसाइट का कहना है कि असम की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि करीब 72.523 लाख हेक्टेयर जमीन में से 31.05 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ की वजह से प्रभावित होती है।
यह अनुमान राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का है। पूरे देश में जो बाढ़ आती है उसका करीब 9.5% हिस्सा अकेले असम में होता है। पूरे देश की तुलना में असम में बाढ़ की तीव्रता 4 गुनी अधिक होती है। औसतन हर साल असम को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन क्या सब प्राकृतिक बनावट का ही नतीजा है या फिर इस भयंकर बाढ़ के लिए थोड़ा बहुत इंसान भी जिम्मेदार है? अगर इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे तो जवाब हाँ में मिलेगा। असम की बनावट तो ऐसी ही है कि वहाँ पर बाढ़ आएगी ही और उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन इंसानों ने जो किया है, अगर वो नहीं किया होता तो बाढ़ की तीव्रता शायद कम होती। अब बांधों का ही उदाहरण ले लीजिए। आप जानते हैं कि बांध कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। बांध बनाकर पहले नदी के बहाव को रोका जाता है और फिर बांध में गेट लगाकर नदी के पानी को नियंत्रित करके छोड़ा जाता है। बांध बनाए जाते हैं ताकि पानी रोक कर बिजली बनाई जा सके। अब ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियों पर पहाड़ी इलाकों में बांध बनाए गए हैं। बारिश के दिन में जब पानी बांध के लिए खतरनाक हो जाता है तो अचानक से गेट खोल दिए जाते हैं, जिससे एक साथ भारी मात्रा में पानी मैदानी इलाकों में आता है, जो हजारों लोगों को उनका घर छोड़ने पर मजबूर कर देता है। इसके अलावा घने जंगल भी पानी के बहाव को रोकने का काम करते थे, लेकिन उनकी कटाई की वजह से पानी की रफ्तार को रोकने वाला कोई नहीं रह गया है। नदियों और झीलों पर अवैध अधिक्रमण ने भी बाढ़ के खतरे को बढ़ा दिया है। बाकी तो सरकारें आती हैं जाती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का वादा करती हैं, कुछ सरकारें नींव का पत्थर रख कर भूल जाती हैं और कुछ सरकारें प्रोजेक्ट को कुछ दूर ले जाकर भूल जाती हैं। असम के साथ भी ऐसा ही होता है। वहाँ भी बाढ़ को रोकने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस किए जाते हैं, लेकिन वक्त बीतने के साथ अनाउंसमेंट भी खत्म हो जाती है और असम के लोग हर साल बाढ़ का कहर झेलने को मजबूर हो जाते हैं। बाकी असम में आने वाली बाढ़ के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।